गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच एक्टिव ग्रामर बुक टू। आज के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हैव हैज हैड। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको वॉज और वेयर वाला चैप्टर फिनिश करवाया था, 14 नंबर का चैप्टर। आज 15 नंबर का चैप्टर है, हैव हैज हैड। ओके, हैव हैज एंड हैड। हैव एंड हैज आर यूज इन प्रेजेंट टेंस। हैव और हैज किस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस, चालू क्रिया में। ओके, चालू वर्तमान जो हम क्रिया करते हैं उसमें क्या यूज होता है? हैव एंड हैज। ओके, हैव हैज आर यूज इन प्रेजेंट टेंस और हैड पास्ट। हैंड इज यूज इन द पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज यूज होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है? यूज हैड यूज होता है। पास्ट टेंस जो आगे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हो चुका है हमारे साथ उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस जो हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर इन द कॉलम ए एंड बी। हमको पिक्चर देख के बनाना है कॉलम। लुक एट द पिक्चर इन कॉलम ए बी। ए बी की पिक्चर देखनी है। यहाँ पर लास्ट ईयर रवि हैड अ स्मॉल हाउस। लास्ट ईयर जो पिछले साल रवि का एक छोटा सा घर था। नाउ अब हैज अ बिग हाउस, अब उसका क्या है? एक बड़ा घर है। ठीक है, इसमें हैड क्यों आया? क्योंकि ये लास्ट ईयर यानी पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। पिछले साल उसके पास जो घर था वो छोटा था, अब जो उसने घर वो बड़ा बना लिया है, तो नाउ ही हैज़ अ बिग हाउस। ओके, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, तो उसमें हैज और हैव आएगा। ये पास्ट टेंस है तो इसमें हैड आया। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद लास्ट ईयर दे हैड अ वन चाइल्ड। उसके पहले साल उनके एक बच्चा था। नाउ दे हैव अ टू चाइल्ड। पहले लास्ट ईयर यानी पास्ट टेंस, तो क्या आया? हैड। और अब उनके पास क्या है? टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या आएगा? हैव। प्रेजेंट, प्रेजेंट पहले पास्ट उनके पास एक बच्चा था और उसके बाद प्रेजेंट में अब उनके पास कितने हैं? टू चिल्ड्रन। तो इसमें प्रेजेंट है तो हैव आया और ये पास्ट लास्ट ईयर दिया हो तो हैड आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट ईयर मीना हैड अ शॉर्ट हेयर। लास्ट ईयर मीना के हेयर कैसे थे? शॉर्ट थे। नाउ सी हैज़ अ लॉन्ग हेयर। अब कैसे उसके बाल लंबे हैं? यानी पहले उसके बाल कैसे थे? छोटे थे, और अब कैसे हो गए? लंबे। तो प्रेजेंट में क्या आता है? हैव एंड हैज। ओके, और पास्ट में क्या आएगा? लास्ट ईयर हैड। लास्ट ईयर है इसमें भी, तो ये क्या हो गया? पास्ट, तो इसमें हैड आएगा। सबको ध्यान रखना, ये भी पास्ट टेंस है तो हैड आएगा पास्ट के साथ। ओके चिल्ड्रन, और ये प्रेजेंट है तो उसमें हैज आएगा, हैव आएगा। ठीक है, सिंगुलर हैज और एक से ज़्यादा हो तो हैव, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे देखेंगे हम, लास्ट ईयर मीरा हैड मित्र हैड अ बाइक। नाउ ही हैज अ कार। उसके पास क्या था? बाइक थी उसके पहले एक साल में, और अब इस साल उसके पास क्या? एक न्यू कार है। तो लास्ट ईयर आया तो क्या आएगा? पास्ट टेंस, तो उसके साथ हैड आएगा। और अब प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? हैज। समझ में आया? ओके चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया? हैव हैज हैड किस में आता है? हैव कब आता है? हैज कब आता है? हैड कब आता है? हैव और हैज प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव आएगा। और हैड किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है, जो लास्ट ईयर हो चुकी है हमारे साथ, जो क्रिया हो चुकी है उसमें क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हम देखेंगे आगे फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ हैव हैज हैड। हैव हैज हैड से हमको फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करनी है? टिक करनी है। ओके, बर्ड्स विंग्स, एक से ज़्यादा बर्ड्स है। विंग्स क्या कर रही है? बर्ड्स उड़ रही है, प्रेजेंट में अभी उड़ रही है, तो क्या आएगा? हैव। आई अ लॉट ऑफ होमवर्क यस्टरडे, मेरे पास यस्टरडे बहुत सारा होमवर्क था, तो क्या आएगा? हैड आएगा। ओके चिल्ड्रन, यस्टरडे है इसलिए क्या आएगा? हैड, जो हो चुका है उसके पहले। ओके, दीपा हैज मैनी फ्रेंड्स, दीपा के क्या है? मैनी फ्रेंड्स हैं। ओके, रोजेस थ्रोन्स, तो हैव, तो रोजेस थ्रोन्स हैव, रोजेस हैव थ्रोन्स, याद रखना। दिस बुक हैज मैनी नाइस स्टोरी, दिस बुक में क्या है? ये बुक में बहुत अच्छी स्टोरियाँ हैं। दे हैव नो मनी टू बाय अ कार, उनके पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए। ओके, अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? टू हैंड्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, आपको ये ए फिलिंग द ब्लैंक्स पता चल गई। इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, उसको क्या करना है? ओनली फॉर टिक करना है। ओके, और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देखिए बाजू में दिया, हम पढ़ेंगे, हैव एंड हैज
आर यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स यू ऑन दिस द प्रेजेंट, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसके बारे में जो भी बातें हो, जो हमको प्रेजेंट बताता हो उसमें क्या आएगा, हैव एंड हैज, ये आपको ध्यान रखना है. हैड इज यूज टॉक अबाउट द ऑन इन द पास्ट, जो पास्ट में हम कर चुके हो उसमें क्या आएगा, हैड, सबको याद रखना. प्रेजेंट में क्या आएगा, हैव एंड हैज, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. ओके, आपको ये पता जाएगा तभी आपको पता चलेगा हैव हैज हैड चैप्टर में है क्या. ओके, उसके बाद हम बी नंबर का कंप्लीट द पैसेज विथ हैव हैज एंड हैड पढ़ेंगे. हमको कंप्लीट करना है पैराग्राफ, किससे कंप्लीट करना है, हैव हैज एंड हैड से. ओके, आवर नेबर मिस्टर गुप्ता हैज़ अ बिग गार्डन, हमारे जो नेबर है मिस्टर गुप्ता उनके पास क्या एक बड़ा गार्डन है. द गार्डन हैज़ मैनी प्लांट्स, गार्डन में क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं. लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया यानी पास्ट टेंस. ओके, पास्ट टेंस में आएगा हैड, याद रखना लास्ट ईयर आया तो पास्ट टेंस है तो उसमें हैड. तो ही हैड अ मैंगो ट्री इन अ गार्डन, उसके पास पहले जो पिछले साल में क्या था, गार्डन में एक मैंगो ट्री था, तो पिछले साल आ गया लास्ट ईयर, तो क्या आएगा, हैड आएगा. ओके, बट नाउ ही डजंट हैव वन, पर अब क्या है, एक भी नहीं है उसके पास मैंगो ट्री. ही कट इट डाउन दिस ईयर, उसने ये साल क्या कर दिया, कट कर दिया सारे मैंगो ट्री. ओके चिल्ड्रन, वी हैड मैनी रोजेस प्लांट इन आवर गार्डन, ठीक है, हमारे गार्डन में बहुत सारे रोजेस प्लांट्स भी है. बट वी गेव देम ऑल टू मिस्टर गुप्ता, पर ये क्या है, हमने क्या दे दिए, मिस्टर गुप्ता को दे दिए. वी डोंट हैव एनी नाउ, अब हमारे पास नहीं है. नाउ ही हैज़ अ रोज़ प्लांट इन हिज गार्डन, उनके गार्डन में क्या है, रोज़ प्लांट है. ओके, आवर रोज़ प्लांट इन हिज गार्डन, ठीक है, अब उनके गार्डन में क्या है, रोज़ प्लांट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पैसेज है, उसमें आपको हैव हैज़ हैड भरना है और कुछ नहीं करना है. आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको रीड करते जाना है और क्या आएगा वो लिखना है. यहाँ पे आवर नेबर मिस्टर गुप्ता हैज़ अ बिग गार्डन, फिर से मैं आपको बता रही पढ़ के, द गार्डन हैज़ अ मैनी प्लांट्स, लास्ट ईयर ही हैड अ मैंगो ट्री इन द गार्डन बट नाउ ही डजंट हैव वन, ही कट इट डाउन दिस ईयर. वी हैड मैनी रोज प्लांट इन आवर गार्डन बट वी गेव देम ऑल मिस्टर गुप्ता. वी हैव डोंट हैव एनी, डोंट हैव एनी नाउ, नाउ ही हैज़ अवर रोज़ प्लांट इन हिज गार्डन, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है. यह पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया है और ये पैसेज आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसमें आपको वर्कबुक में इंग्लिश की जो ग्रामर की वर्कबुक है जो ये, उसमें ही आपको फील करना है, किसी में लिखना नहीं है. ओके चिल्ड्रन, उसके बाद लेट्स टॉक, यहाँ पे नीचे जो बातें कर रहे हैं दो जन वो हम देखेंगे. डू यू हैव अ पेट एट होम, वी, यस वी हैव अ डॉग, वो पूछती है कि आपके घर में कोई पेट एनिमल है, पेट, तो यस वी हैव अ डॉग, हमारे पास क्या है, एक डॉग है. व्हाट डू यू कॉल इट, तुम उसको क्या बुलाते हो, वी कॉल इन मॉन्टू, मैं उसको क्या बुलाता हूँ, मॉन्टू बुलाता हूँ. ये क्या है, सिर्फ टॉल्क है, एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं उसके, वो सिर्फ बताया गया है. ठीक है चिल्ड्रन, आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 15 नंबर का चैप्टर बता रही हूँ, 14 चैप्टर तक हमारा फिनिश हो गया, सबका फिनिश हो गया होगा. ओके चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हैव किस में आता है, हैज़ किस में आता है, हैड किस में आता है. ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है. फिर से आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि हैव हैज़ किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में, हैड किस में आता है, पास्ट टेंस में. ठीक है, आपको ये पिक्चर दिया हुआ उसके बेस पे हमको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, हैव किस में आता है, हैज़ किस में आता है, हैड किस में आता है. ओके चिल्ड्रन, उसके बाद आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने बताई, टिक करवाया कि हैव हैज़ हैड क्या है, और नीचे पैसेज भी हमको दिया है उसके बेस पे भी हम समझ सकते हैं कि हैव किस में आएगा, हैज़ किस में आएगा और हैड किस में आएगा. ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 थिंग्स वी विल डू टूमोरो, ये चैप्टर नंबर 16 है, वो इसके आगे की वीडियो में हम बताएंगे, बट आज के वीडियो में हम, मैं आपको यहाँ तक ही फिनिश करवा रही हूँ. ओके चिल्ड्रन, आपको अच्छी तरह से चैप्टर पहले रीड करना है, फिर फील करना है और समझना है कि मैंने आपको चैप्टर में क्या समझाया. ओके चिल्ड्रन, आपको यहाँ तक ही आज के वीडियो में करना है,
नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।